उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में मानव उत्थान सेवा समिति के तत्वावधान में सद्भावना यात्रा एवं 5 दिवसीय श्री राम कथा अमृत सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में लोगों ने भाग लिया, जो विभिन्न महान पुरुषों के चित्र लिए हुए जन जागरण और आपसी सद्भावना का संदेश दे रहे थे। सद्भावना यात्रा का शुभारंभ सहारनपुर के प्रथम मेयर संजीव वालिया, महात्मा पार्वती बाई जी मानव कल्याण आश्रम सहारनपुर की प्रभारी महात्मा आराधना बाई जी ने हरी झंडी दिखाकर किया। सत्संग कार्यक्रम में महात्मा भुवनेश्वरी बाई जी ने अपने ओजस्वी विचार रखते हुए कहा है कि हमें जीवन में सत्संग जरूर करना चाहिए। सत्संग ही हमें विवेक देता है और सत्संग एक टेस्टिंग है जिसको करने से हमें सही और गलत की परख होती है, इसलिए सत्संग को जीवन में महत्व देना चाहिए। आत्मिक जागरण हो, कैसे हमारी आत्मा जागे, हमारी यात्रा का उद्देश्य और हमारे जो गुरु महाराज जी हैं सतगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज, उनकी संस्था है मानव उत्थान सेवा समिति, सर्वधर्म संभाव को लेकर चलते हैं। रामायण आधारित सत्संग प्रवचन होने जा रहा है और मैं मीडिया के माध्यम से सबको ऐलान करती हूँ कि आप सभी लोग इस कार्यक्रम के अंदर सम्मिलित होकर के सत्संग विचारों को श्रवण करें और उन्हीं की प्रेरणा से आज हमने पंच दिवसीय ये 17 तारीख से 21 तारीख तक ये ज्ञान अमृत सत्संग प्रवचन का आयोजन किया गया है, जिसमें हरिद्वार निवासी महान मानवतावादी सतगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज के परम शिष्य महात्मा पार्वतीबाई जी एवं विभिन्न स्थानों से पधारे हुए संत महात्माओं के माध्यम से यह आध्यात्मिक प्रवचनों का कार्यक्रम रखा गया है। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर पुलिस को आज बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुखबिर की सूचना पर मोहना थाने की पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने 3 अंतरराष्ट्रीय वाहन चोरों के साथ चोरी की 3 मोटरसाइकिल भी बरामद की है। पकड़े गए चोर चोरी की मोटरसाइकिलों को नेपाल में ले जाकर बेच देते थे। पकड़े गए अभियुक्तों के नाम संजय शंकर और अबू शामा बताए जा रहे हैं। तीनों सिद्धार्थनगर के ही रहने वाले हैं। यह तीनों चोर लूटपाट और गंभीर आरोपों में भी इनका नाम शामिल है। पुलिस इन चोरों की गिरफ्तारी को बड़ी सफलता मान रही है। आज 3 वाहन चोर और 3 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। इसमें से 2 मोटरसाइकिल नवगढ़ सिद्धार्थनगर से और 1 लोकरवा से चोरी गई थी। इनके विरुद्ध पहले भी आपराधिक इतिहास है। इसमें से 1 अभियुक्त 10-15 साल पहले हत्या के अभियोग में भी जेल गया है। इस जनपद की जो चोरी गई मोटरसाइकिल है थाना सिद्धार्थनगर का, उसी में से 2 मोटरसाइकिल भी बरामद है और तकरीबन जो चोरी गई है मोटरसाइकिल बरामद हुई। रुड़की के राजकीय इंटर कॉलेज में पिछले 15 दिनों से एक नीलगाय फंसी हुई है, जो जंगल से रास्ता भटककर यहां पहुंची और राजकीय कॉलेज की 4 दीवारी में फंसकर रह गई। यह नीलगाय कॉलेज परिसर से निकलने के लिए इधर उधर दौड़ लगा रही है, लेकिन इसको बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा। आसपास के लोगों ने कई बार वन विभाग को इस गाय को पकड़ने के लिए कहा है, लेकिन वन विभाग की टीम एक बार कॉलेज पहुंची और इस नील गाय को देखकर वापस चली गई। इसको पकड़ने के लिए वन विभाग कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। राजकीय इंटर कॉलेज है, इसके अंदर नील गाय आई हुई है पिछले 1 तारीख से। अच्छा, ये 12-13 दिन हो चुके हैं। वन विभाग को 4 बार सूचना दी गई है, उनके कर्मचारी आए भी हैं, उनके साथ हमने रात को 10-10:30 बजे तक समय भी दिया है, लेकिन उसके ऊपर कोई खास कार्रवाई नहीं हो पाई। सिविल लाइन कोतवाली पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक वाहन चोर गिरोह को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से चोरी की 5 बाइकें बरामद की गई। आरोपी आलोक लखीमपुर खीरी का रहने वाला है, जो कि शहर और देहात क्षेत्र से बाइक चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था। आरोपी आलोक पिछले 3 महीने से रुड़की में किराए के मकान पर रह रहा था, जबकि आरोपी पर कई धाराओं में 10 से अधिक मुकदमे दर्ज है। वहीं पुलिस आरोपी के अन्य साथियों की तलाश में जुटी हुई है। SP देहात मणिकांत मिश्रा का कहना है कि फिलहाल आरोपी से पूछताछ कर मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर के शोरतगढ़ रेलवे स्टेशन से बढ़नी की तरफ जाने वाली रेल लाइन कुछ दूरी पर एक जगह से टूटी मिली, जिसके बाद स्थानीय रेल कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। समय रहते पेट्रोलिंग कर रहे गैंगमैनों को टूटी पटरी दिख गई। अब उनके सामने एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि कुछ ही देर में इस टूटी रेल लाइन से गोमती एक्सप्रेस गुजरने वाली थी। गैंगमैनों ने इसकी सूचना तत्काल अपने स्टेशन अधीक्षक को दी। ये जो है रात को 1:05 पर ये पेट्रोल माइन जो पेट्रोलिंग करते हैं लाइन पर, उनके द्वारा सूचना मिली कि किलोमीटर 93/1 पर रेल फ्रैक्चर जो है
रेल टूटी हुई है, उस पर कार्रवाई करते हुए इंजीनियरिंग विभाग के PWI अधिकारी होते हैं उनको सूचना दी गई, उन्होंने आकर के उसके बारे में अवलोकन किया। अभी तक वो कासन चल रहा है, 20 KMPH का कासन दे करके गाड़ियों को चलाया जा रहा है। आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी।